नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2 किलोवाट पीएमएसएम दताई किट का। ये 2 किलोवाट है, इसी टाइप की जो है 1500 वाट आती है, 1500 वाट और 1200 वाट भी आती है। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे ही किट ले सकते हैं। अभी आपको इसमें आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें ऑयल नहीं डाला हुआ। टेबल टेस्ट कर रहे हैं इसलिए ऑयल डाला नहीं हमने, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे व्हीकल में तब आपको ऑयल डालना अति आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको इसका डिटेल देता हूँ। सबसे पहले हम स्पीड की ही बात कर लेते हैं। स्पीड जो इसमें 20, 30, 40, यानी कि इसमें 3 स्पीड मोड है। तो फर्स्ट मोड में 20 की, सेकंड मोड में 30 की और थर्ड मोड में जो है 40 की। ये KMPH में स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा, माइल में स्पीड नहीं है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये 2 किलोवाट की मैंने आपको स्पीड बताई है। 1500 वाट और 1200 वाट की स्पीड जो है थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे 1500 वाट की जो आपको मिलेगी वो 36 के आसपास मिलेगी और 1200 वाट की मिलेगी वो लगभग 35-34 ऐसी मिलेगी। तो चलिए बाकी डिटेल आपको बताते हैं। ये रेटेड पावर जो है 2 किलोवाट है और पीक पावर जो है वो 6 किलोवाट तक इसका जाता है। पीक पावर 6 किलोवाट तक जाता है। आरपीएम जो है मोटर के 4000 है और डिफरेंशियल पे जो आरपीएम मिलेंगे वो 400-450 मिलेंगे। रेटेड टॉर्क 48 Nm व्हील पे और पीक टॉर्क जो है 140 Nm। प्योर कॉपर वाइंडिंग में है ये और 6 फेज में आती है। पीएमएसएम जो है 6 फेज में होती है। आपको 6 वायर दिखी रहे होंगे अलग अलग कलर कोड के हिसाब से। आपको कनेक्शन जो है प्रॉपर चेक करके ही करना है। प्योर कॉपर वाइंडिंग में है, मोटर जो है प्योर कॉपर वाइंडिंग में होती हैं ये सारी अपने पास जितनी भी हैं। और ये दताई का ओरिजिनल किट है, दताई का ओरिजिनल किट है। मोटर का वेट जो है 14.8 किलोग्राम के आसपास है और कंट्रोलर का 2.6 किलोग्राम के आसपास। जबकि जो डुप्लीकेट मोटर आती हैं या दूसरी कोई भी ब्रांड की, उनका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता। ये डिफरेंशियल है, 31 किलोग्राम इसका वेट है और 42 इंच इसका डिफरेंशियल साइज़ है। टोटल साइज जो है लेंथ वो 42 इंच है। 35 इंच में भी आता है, 48 आता है और 52 भी आता है। वहाँ शायद आपको दिख रहे होंगे कोने में, वो बड़े वाले डिफरेंशियल है जो इसमें लग जाएंगे। प्राइस जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इस किट का प्राइस लिखा हुआ है। 1500 वाट का भी मिलेगा आपको, 1200 वाट का भी प्राइस मिलेगा। पीएमएसएम दताई की मैं बात कर रहा हूँ। और लोडिंग कैपेसिटी जो है, जैसे इसकी जो है 1300 किलोग्राम है, 1300 किलोग्राम ग्रॉस वेट। और 1500 वाट अगर लेते हैं तो उसकी 900-950 किलोग्राम होती है और 1200 वाट की जो है वो 800-850 किलोग्राम होती है ग्रॉस वेट, लोडिंग कैपेसिटी ग्रॉस वेट, यानी कि व्हीकल को मिला के A to Z सब कुछ। पहिए जो है आप अगर कोई लोडर वगैरह में यूज करते हैं तो 12 इंच या 14 इंच मैक्सिमम जो नंबर होते हैं, जैसे 2-75-12, 90-90-12 इस तरह से, तो वो 12 नंबर के आपको लगाने हैं या मैक्सिमम 14 के। लेकिन अगर आप कोई ऐसा गो कार्ट बनाते हैं जिसको स्पीड ज़्यादा चाहिए जिसमें, तो उसमें आप थोड़े से बड़े पहिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर वेट नहीं होता। और लोडर वगैरह में या रिक्शा में जो है वेट होता है, तो वहाँ पर हमें छोटे पहिए ही यूज करने होते हैं। बड़े पहिए यूज करोगे तो स्पीड तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन लोडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें छोटे पहिए ही यूज करने हैं। आगे हम बात करें, ये जो मोटर है ये एयर कूलिंग डिज़ाइन के साथ है। स्पीड मैंने आपको बता दी। हाफ स्पीड जो है वो रिवर्स मोड में रहेगी। वेट 14.8 किलोग्राम बताया था,
इसमें जो है कोई हीटिंग का इशू नहीं आता। BLDC जो है थोड़ी सी हीट होने लग जाती है, लेकिन ये हीट भी नहीं होती। जब आप इसको प्रॉपर गियर रेशियो के साथ चलाते हैं, प्रॉपर लोडिंग कैपेसिटी में चलाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। इसकी लाइफ जो है BLDC के मुकाबले 3 गुना तक जाती है। और बाकी इसके कंपोनेंट है वो आप देख सकते हैं, एक करके मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। दत्ताई जो मोटर हैं ये ई रिक्शा ई लोडर कैटेगरी में सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। इनकी क्वालिटी जो है वो उसी के हिसाब से होती है। किसी भी दूसरी कंपनी की मोटर या डिफरेंशियल या बाकी आइटम का वेट जो है आपको इस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से दत्ताई में होता है। जैसे इसका वेट मैंने आपको बता दिया 14.8 kg, किसी भी दूसरी कंपनी की मोटर आप देखिएगा इतना वेट उसमें मिलेगा ही नहीं। इस पावर की मैं बात कर रहा हूँ, 2 kW की, और जैसे अलग पावर की होगी तो उसका भी वेट ज़्यादा ही होगा, कोई भी हो। जैसे 5 kW है तो उसका वेट 18 kg के आसपास होता है, तो कोई भी दूसरी कंपनी की मोटर आप देखेंगे तो उसमें उतना वेट नहीं मिलेगा। सेम पावर कंपेरिजन आप करेंगे, तुलना करेंगे तो ये इसका कंट्रोलर होता है 6 phase का। पीक करंट जो है इसका 120 एम्पीयर तक जाता है, और 60 और 72 वोल्ट में ही आप इसको यूज कीजिएगा। 48 वोल्ट में क्या है कि उतना बढ़िया चलेगा नहीं, परफॉर्मेंस जो है उतना अच्छा नहीं मिलेगा। रेटेड पावर मैंने आपको बताई दी 2 kW, पीक पावर जो है 6 kW तक जाएगी, वो 30 सेकेंड के लिए होता है लगभग। और करंट लिमिट भी मैंने बता दी आपको 120 एम्पीयर। रिवर्स मोड इसमें न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स है। न्यूट्रल पे किसी भी डायरेक्शन में नहीं चलेगी, डायरेक्शन में नहीं चलेगी, और डी पे ड्राइव में सामने चलेगी, और रिवर्स में आर रिवर्स पीछे चलेगी। ये 1-2-3 स्पीड मोड है, 1-2-3। इसमें जो है आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलता है, तो जैसे आप किसी दूसरे व्हीकल से इसको टो करेंगे, मान लीजिए आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, किसी दूसरे व्हीकल से इसको टो करेंगे तो बैटरी भी रिचार्ज होती है इससे। या फिर आप किसी पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो ऊंचाई से जब आप नीचे जाएंगे तो उस कंडीशन में भी ये, उस सिचुएशन में भी ये बैटरी को रिचार्ज करता है। उसके लिए आपको क्या है कि ब्रेक स्विच को पुल करना होता है। ब्रेक स्विच को किसी भी तरीके से, जैसे 2 वायर एक्स्ट्रा लगा के आप कोई भी स्विच लगा लें ऑन ऑफ का, उससे आप उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये कंट्रोलर का कवर है धूल मिट्टी वगैरह से बचाने के लिए। इसके नीचे जो है हीट सिंक दिया गया है। ये वाटर रेजिस्टेंट कंट्रोलर है और एयर कूलिंग डिजाइन के साथ है। लो लेवल ब्रेक इसमें आता है। लो लेवल ब्रेक जो है 2 वायर पे कनेक्ट होता है जो कंट्रोलर की तरफ से ही निकलते हैं, जैसे ये लो लेवल ब्रेक का है। हाई लेवल वाला होता क्या है कि एक ही वायर होता है, उसको 12 वोल्ट पॉजिटिव देना पड़ता है कन्वर्टर के थ्रू, तो फिर वो हाई लेवल ब्रेक काम करता है। लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर कंट्रोलर की, विड्थ 15 सेंटीमीटर और हाइट जो है लगभग 7 सेंटीमीटर। ये प्योर साइन वेव है। कंट्रोलर का वेट 2.6 kg है लगभग। ये दत्ताई का ओरिजिनल किट है, मैं आपको बता ही रहा था, और बाकी आप देख सकते हैं। ये 180mm के ड्रम है और नॉर्मल ब्रेक है ये। यहाँ से ऑयल डलता है, इसमें खोल के ऑयल डाल दीजिए, और लिखा हुआ भी है कि भाई प्रत्येक 2000 किलोमीटर पर इसको चेंज करना पड़ता है, तो वो आप ध्यान रखते हुए चेंज भी करें। बाकी जो आइटम आते हैं इसमें, जैसे 2 थ्रोटल हैं। थ्रोटल 3 तरह के हैं, 2 पेडल हैं, कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी की ज़्यादा की ज़रूरत है, भाई मेरे को वो भी चाहिए, तो वो भी आप एक्स्ट्रा मंगवा सकते हैं। ये मीटर है, बैटरी लेवल, बैटरी वोल्टेज और स्पीड और कितना किलोमीटर चल चुका, वो चीज़ें इसमें बताता है। ये 60 वोल्ट का, ऐसा ही 72 वोल्ट का भी होता है। और ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग सॉकेट है, इग्निशन की है। ये कनेक्टिंग एसेसरीज है डिफरेंशियल को मोटर से कनेक्ट करने के लिए, ये लगता है कपलर। ये बाकी नक्के वगैरह जो है वो डिफरेंशियल पर लगते हैं। DC-to-DC कन्वर्टर है, 72 वोल्ट को 12 वोल्ट 20 एम्पीयर में कन्वर्ट करेगा। लाइट इंडिकेटर हॉर्न वगैरह के लिए यही काम आता है। 240 वाट का ये। ये NDR स्विच है, मैंने आपको बता दिया, 3 स्पीड है, कंट्रोलर है। ये हैंड एक्सेलेटर है, और
डिफरेंशियल का साइज भी मैंने आपको बता दिया था 35, 42, 48, 52। अब बात करें कि आप इसे किस किस तरह के प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। गो कार्ट कोई बनाना चाहे, गोल्फ कार्ट या इलेक्ट्रिक लोडर, या कोई रिक्शा में यूज करना चाहे, या आपका कोई अपना ही प्रोजेक्ट है तो उनमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि भाई जो हम पहिए का साइज डाल रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो हम इस पर टोटल वेट डाल रहे हैं वो सही है कि नहीं। इसमें ये टोटल 12 आइटम होते हैं, बैटरी और चार्जर इंक्लूड नहीं होता। बाकी प्राइस जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसका प्राइस वगैरह लिखा हुआ है, अलग अलग पावर का सारा डिटेल दिया हुआ है। किसी को भी मंगवाना हो तो आप ऑनलाइन इसे मंगवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, व्हाट्सएप के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई आके लेना चाहे तो आके भी ले सकते हैं। मेरी शॉप नाईवाला करोल बाग में है, 38 नंबर स्ट्रीट, 38 नंबर गली में, मंडे को ऑफ रहता मार्केट। डीटी दताई 140 सीरीज होती है ये, 140 सीरीज यानी कि लो स्पीड वाला, लो स्पीड मतलब लोडिंग के लिए। ये कुछ और कोड होता होगा, ये 60 वोल्ट 2 किलोवाट ये पावर लिखी हुई है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है 2022-12, और ये क्या है ये तो नहीं पता। खैर सारी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ ये डिटेल मैंने आपको बताई दी जो मुझे पता था। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं।